हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है यह समझने वाले हैं। तो चलिए, कटिंग की शुरुआत करने से पहले हम एक बार शर्ट के मेज़रमेंट को देख लें। शर्ट की लंबाई है 29.5 इंच, आस्तीन 25 इंच, शोल्डर 19 इंच, सीना 42 इंच, कॉलर 16.5 इंच और पेट 43 इंच। दोस्तों, पेट सीने से 1 इंच अधिक है, इसलिए हम लूजिंग आधा इंच एक्स्ट्रा देते हैं। चलिए, कटिंग करने के लिए हम शर्ट को उल्टा कर कर जमा लेते हैं। ये देखिए, मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर होती है, इसलिए हमने इसे उल्टा जमा लिया। डिफेक्टिव कपड़े को हटाने के लिए हम एक मार्किंग करते हैं जो कुछ आधा इंच पे होती है। इसके बाद हम 2 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे जो नीचे हमारे दामन में चली जाएगी। देखिए, ये 2 इंच की हमने मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग करने के बाद हम प्लेट के मार्किंग करेंगे जो 2.5 इंच पर की जाती है। देखिए, आधा इंच कोर की कटिंग में चले जाएगा और 2 इंच से हम प्लेट बना लेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये प्लेट के निशानों को हम स्केल की सहायता से सीधा कर रहे हैं, ये हमने सीधा कर लिया है। चलिए, अब शर्ट की लंबाई की बात करते हैं। शर्ट की लंबाई है 29.5 इंच, तो हम ऊपर वाले निशान से 29.5 इंच पर एक मार्क लगा लेते हैं जो शर्ट की लंबाई का है। देखिए, ये 29.5 इंच पर हमने मार्क लगाया है। अब एक मार्क हम 10 इंच पर लगाएंगे। ये क्यों लगाते हैं दोस्तों? सीना 42 इंच था, उसका 1/4 होता है 10.5 इंच। ये देखिए, 42 का 1/4 हुआ हमारा 10.5 इंच, और उसमें नॉर्मली हम आधा इंच कम करके मार्किंग करते हैं, तो हो गया आपका 10 इंच। देखिए, ये 10 इंच पे हमने मार्किंग करी है। 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों मार्किंगों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने दोनों मार्किंगों को सीधा कर लिया है। इसके बाद हम सीने के मार्किंग करेंगे जो हम 13 इंच का फ्रंट लेंगे। दोस्तों, 10.5 इंच तो सीने का 1/4 ही है। नॉर्मली हम 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, पर ये लूजिंग एक्स्ट्रा होने के कारण हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, तो हो गया इसका 10.5 और 2.5 13 इंच। तो 13 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। यही 13 इंच की मार्किंग हम नीचे भी कर रहे हैं, जो इस तरह से होगी। अब इन दोनों मार्किंगों को हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। देखिए, ये हमने कर लिया है। यहाँ पर राउंड हल्का सा देंगे, क्योंकि दोस्तों लूजिंग कुछ एक्स्ट्रा है, तो हमने राउंड भी हल्का सा दिया। नॉर्मली हम ये राउंड नीचे तक लेते हैं कुछ इस तरह से, पर अभी हम हल्का सा लेंगे। दामन में शेप देने के लिए हम स्केल की मदद से इसे थोड़ा सा कॉर्नर से गोल कर लेते हैं। चौक वाला शर्ट होने के कारण हम इस पर 4 इंच की चौक के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये चौक का निशान है। गले के लिए हम 3 इंच की मार्किंग करते हैं, और 3 इंच की मार्किंग हम साइड से भी कर लेते हैं। गले की मार्किंग करने के बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर था हमारा 19 इंच, देख लेते हैं कितना था हमारा शोल्डर। 19 इंच शोल्डर था, जिसका हाफ होता है 9.5 इंच, और 1/4 इंच हम सिलाई के लिए रखते हैं, तो हो गया 10.5 इंच। तो शोल्डर की हम मार्किंग 10.5 इंच पे करेंगे। इसके बाद हम 2 इंच को झुका लेते हैं, और फिर सारी मार्किंगों को स्केल की मदद से हम मिला लेते हैं। सभी मार्किंग मिला लेने के बाद हम गले में गोलाई कुछ इस तरह से देते हैं। देखिए, ये हम गोलाई दे रहे हैं। गले की गोलाई देने के बाद हम जो बगल की फिटिंग के लिए जो गोलाई देते हैं, वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, स्केल को कुछ इस तरह से रखते हुए हम इसकी गोलाई देते हैं। ये गोलाई दे दी हमने। गोलाई होने के बाद ये हमारी फ्रंट की मार्किंग कम्प्लीट हो गई। तो चलिए, अब हम फ्रंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक फ्रंट से 1/4 इंच कम कटती है, तो हम 1/4 इंच कम काटेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। कपड़ा सीधा करने के बाद हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं जो 10.5 इंच पर होगी। इसके बाद हम फ्रंट को बैक पर अच्छे तरीके से जमा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से जमाना है ये आप देख लीजिए। इसके बाद
ये हमने कपड़े को जमाया है, फ्रंट को जमाया है। इसके बाद आप देखिए हमने 2 इंच फ्रंट को ऊपर रखा है बैक से। इसके बाद हम ये कपड़े को सीधा कर लेते हैं काट कर। देखिए कुछ इस तरह से हमने कपड़े को सीधा करा और कॉर्नर का निशान लगा लिया। 2 इंच हमने देख लिया अच्छी तरीके से जम गया है। इसके बाद हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाते हुए शोल्डर के मार्क से इसे मिला देंगे। इसके बाद इसे गोलाई देते हुए हम मार्क लगा देंगे। दोस्तों नीचे भी हम बैक के लिए मार्क करेंगे और बैक की कटाई शुरू कर देंगे। देखिए कटिंग किस तरह से हो रही है बैक की, सेम हमें फ्रंट की तरह ही करना है। उसी कटिंग करते हुए अब हम जो हमने गोलाई फ्रंट में दिखी वो बैक में नहीं देंगे और इसे एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसे भी हम काट लेंगे और ये बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। देखिए फ्रेंड्स कटिंग करने जा रहे हैं, तो आस्तीन की कटिंग करने से पहले हम इसे अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद हम इसे किस तरह से फोल्ड करते हैं ये आपको देखना है। देखिए आस्तीन की कटाई कुछ इस तरह से होती है, कपड़े को हम इस तरह से जमा लेते हैं और फिर 10 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, जो हमने फ्रंट में भी 10 इंच की थी तो यहाँ भी हम 10 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी और 3 इंच इसे एक गड्ढा देंगे। इसके बाद हम आस्तीन की लंबाई पे जाएंगे। आस्तीन हमारी 25 इंच थी जिसमें हम 3 इंच का कप लगा रहे हैं, तो 2 इंच की लंबाई कम करना पड़ेगी और 23 इंच की हमें आस्तीन कंप्लीट काटना है। दोस्तों ऐसा करने से हमारी 25 इंच की आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 6 इंच की लूजिंग देते हैं आस्तीन की नीचे से और उसके बाद हम इसे स्केल की मदद से मिला लेते हैं। देखिए इस तरह मिलाने के बाद हम आस्तीन की गोलाई किस तरह से देंगे ये आप देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें आस्तीन की गोलाई देना है और उसे फिर अच्छी तरीके से हमें काट लेना है। देखिए कटिंग हो जाने के बाद हम बताएंगे आपको किस तरह से आगे की प्रोसेस है इसकी। ये आस्तीन की कटाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद हम इसे 4 घड़ी करके एक मार्किंग करेंगे नीचे से और उस मार्किंग के बाद हम 1/2 इंच दूर जो हम आस्तीन प्लेट बनाते हैं, आस्तीन पट्टी बनाते हैं, उसके लिए एक मार्किंग करेंगे जो 5.5 इंच की होगी। 5.5 इंच की हमको मार्किंग करके कटिंग करना है उसकी। ये हमारी आस्तीन पट्टी कंप्लीट हो गई जो पीछे की तरफ देते और आगे की तरफ हम एक गड्ढा बनाते हैं, एक ज़्यादा गड्ढा बनाते हैं आस्तीन में। और ये देखिए आधा हम गड्ढा इस तरह से बनाते हैं और आधा इस तरह से कटिंग की पूरी हो गई। ये देखिए हमारी आस्तीन कट कर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। शोल्डर की कटिंग हमें 10.25 इंच पर करना है, जो हमने बैक के लिए करी थी उतनी ही करना है। इसके बाद 3 इंच की यहाँ पर और 6 इंच चौड़ा हमारा शोल्डर होगा, तो 6 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों मार्किंग शोल्डर की थोड़ी टेढ़ी होती है जिससे आस्तीन की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल सही होती है। देखिए ये तिरछी हम इस पर मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद इस मार्क को इस मार्क से मिला लेंगे और 4 इंच यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर इस मार्किंग को मिला लेंगे। ये मिला ली मार्किंग हमने। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा इसे बाहर निकलते हुए मार्किंग करेंगे। इसके बाद शोल्डर की जो गोलाई है वो हम किस तरह से देते हैं देखिए। चलिए अब शोल्डर की कटिंग हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके।
ये हमारी शर्ट की कटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये शोल्डर कटिंग करने पे कुछ इस तरह से दिखे।